चाहे आप B2B बिजनेस में या B2C बिजनेस में या नेटवर्क मार्केटिंग में, काफ़ी बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि जब भी आप किसी कस्टमर या क्लाइंट के साथ डील करते हैं, तब आप पूरी कोशिश करते हैं उसे कन्वेंस करने की। आप एक घंटे तक उसे अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, उसके फीचर के बारे में बताते हैं, क्वालिटी के बारे में बताते हैं, उस प्रोडक्ट से कस्टमर को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे उनके बारे में बताते हैं। आप अच्छी तरह से अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हैं, लेकिन फिर भी कस्टमर उस प्रोडक्ट को ख़रीदने से मना कर देता है, वो कन्वेंस नहीं हो पाता, आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ जिसे अगर आप यूज़ करते हैं तो फिर आप इतनी सी कोशिश करेंगे और कस्टमर पूरी तरह से कन्वेंस हो जाएगा। आप ये भी कह सकते हैं कि आप कस्टमर को वश में कर लेंगे, और सिर्फ कस्टमर ही नहीं, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई हस्बैंड हो, वाइफ हो, बॉस हो, एम्प्लॉई हो या कोई भी फ्रेंड हो, आप किसी को भी आसानी से कन्वेंस कर पाएंगे, अपनी बात मनवा पाएंगे। तो अब टेक्निक क्या है, ध्यान से समझिए। देखिए, अगर आप कस्टमर को कन्वेंस करना चाहते हैं तो उसे आप कन्वेंस मत करिए, उसे आप प्रोडक्ट बेचने की कोशिश मत करिए। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको कस्टमर और अपने बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करनी है, एक कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करनी है, एक ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करनी है। अगर कस्टमर आपके साथ कनेक्टेड नहीं है तो फिर आप चाहे कितनी कोशिश कर लो, वो कन्वेंस नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर एक बार कनेक्शन बिल्ड हो गया, एक बार ट्रस्ट बिल्ड हो गया, तो फिर आप इतनी सी कोशिश करेंगे, कस्टमर पूरी तरह से कन्वेंस हो जाएगा। लेकिन अब ये कनेक्शन बिल्ड कैसे होगा, ये ट्रस्ट बिल्ड कैसे होगा, अब इसके लिए आपको मैं एक टेक्निक बताता हूँ, इसे ध्यान से समझिए। देखिए, आपको कस्टमर से शुरू में ही कुछ इस तरह के क्वेश्चन करने हैं या कुछ इस तरह की बातें करनी है जिससे कि कस्टमर खुलकर आपको अपनी नीड के बारे में या अपने इंटरेस्ट के बारे में या अपनी प्रॉब्लम के बारे में या उम्मीद के बारे में, कि वो एक्चुअल में आपसे उम्मीद क्या कर रहा है, आपसे चाह क्या रहा है, उसके बारे में बता सके। ऐसा ना हो कि शुरू में आप ही आप बोलते जा रहे हैं, कस्टमर कुछ बता ही नहीं पा रहा। आपको ध्यान से सुनना है, कस्टमर जो भी बता रहा है उसे ध्यान से सुनिए, ताकि आप समझ पाएं, आप कस्टमर की नीड समझ सकें या उसकी प्रॉब्लम को समझ सकें या उसका क्या इंटरेस्ट है वो समझ सकें या वो आपसे क्या चाह रहा है वो समझ सके। आपको कस्टमर को ध्यान से सुनना है, फिर आपको उसकी बातों में वो पॉइंट पकड़ना है जिस पॉइंट के जरिए आप आसानी से उसके साथ कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। वो जो भी आपको बताएगा, जो भी बोलेगा, उसकी बातों में कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जिसके जरिए आप आसानी से उसके साथ कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। और जैसे ही आपको वो पॉइंट मिल जाए तो आपको क्या करना है, आपको उसकी उस बात को दोहराना है। जब सामने वाले को ये महसूस होगा कि आप उसकी बातों को समझ रहे हैं, आप उसकी नीड को समझ रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, तभी उसे आपके ऊपर ट्रस्ट आएगा, तभी आपके बीच में कनेक्शन बिल्ड होगा। अब जैसा आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए मेरी कपड़ों की दुकान है और कोई कस्टमर मेरे पास आता है और कहता है कि भैया मुझे जीन्स लेनी है, तो मैंने उससे क्या पूछा कि भैया आपको किस तरह की जीन्स दिखाऊँ, तो वो कहता है कि भैया ज़्यादा है ना फंकी लुक में जीन्स नहीं चाहिए, थोड़ा सा बेसिक लुक चाहिए जो ऑफिस वगैरह में भी पहन सकूँ, और जीन्स है ना थोड़ी बढ़िया दिखाना। पिछली बार मैंने एक जगह से जीन्स ली थी, उसकी दो बार धुलाई करी, पूरा कलर फेड हो गया। अब देखिए, कस्टमर ने जो बताया है इससे मुझे उसकी नीड समझ में आ रही है, उसकी प्रॉब्लम समझ में आ रही है, और सबसे मेन पॉइंट, मुझे वो पॉइंट भी पकड़ में आ रहा है जिसके जरिए मैं उसके साथ कनेक्शन बिल्ड कर सकता हूँ। उसने क्या बोला कि मैंने पिछली बार एक जगह से जीन्स ली थी, दो बार धुलाई करते ही कलर फेड हो गया। अब देखिए, मैं क्या करूँगा कि जैसे ही ये पॉइंट पकड़ में आया, मैं उसकी बात को दोहराऊंगा, उसकी हाँ में हाँ मिलाऊंगा। अब मैंने उससे क्या बोला कि हाँ भैया, बड़ा दुख होता है जब भी हम पैसे खर्च करते हैं, कोई चीज़ लाते हैं, लेकिन दो बार धुलाई करते ही कलर फेड हो जाता है, जीन्स पुरानी लगने लगती है, तो पैसे बेकार जाते हैं। अब देखिए, जैसे ही मैंने ये चीज़ बोली तो कस्टमर को क्या महसूस होगा कि ये मेरी बात को समझ रहा है, ये मेरी प्रॉब्लम को समझ रहा है, जो मैं फील कर रहा हूँ वो ये भी फील कर पा रहा है। जैसे ही मैंने ये चीज़ बोली तो अब कस्टमर के और मेरे बीच में कनेक्शन बिल्ड हो गया, कस्टमर को मेरे ऊपर ट्रस्ट आएगा। और जैसे ही अगर एक बार ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो समझ लो आपकी 90% सेल तो हो चुकी, क्योंकि अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, मुझे बस इतना ही बोलना है कि भैया इस बार आप मेरी मानो, आप ये वाली जीन्स ट्राई करो, इस जीन्स को आप चाहे 10 बार धो लो, आप पुरानी जीन्स में और नई जीन्स में फ़र्क नहीं बता पाओगे। बस
जैसे ही कस्टमर का एक बार आपके ऊपर ट्रस्ट आ जाता है तो फिर आप उसे एज ए फ्रेंड जो भी सजेस्ट करोगे वो मान लेगा। अब उसे ये नहीं लग रहा कि मैं उसे कोई प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे क्या लग रहा है कि मैं उसकी प्रॉब्लम को समझने के बाद उसे एक सही प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहा हूँ। मैं प्रोडक्ट बेच नहीं रहा, सही प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहा हूँ, अब वो आपकी बात मान लेगा। अब जैसे आपको मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आपके किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग है। अब क्या है कि जैसे मान लो आप बीजेपी के सपोर्ट में हैं और वो जो क्लाइंट है वो बीजेपी के अगेंस्ट है, तो जब आप बातचीत करोगे, जब राजनीति की बात छिड़ेगी, तो हो सकता है कि वो क्लाइंट कुछ ऐसी बातें बोले जो आपको बुरी लगे, वो आपको सही ना लगे, क्योंकि आपके विचार अलग अलग हैं, आपके विचार मेल नहीं खा रहे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो आपका क्लाइंट बने, उसके साथ आपका कनेक्शन बिल्ड हो, क्लोजिंग हो, तो आपको उसकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। अगर वो बोल रहा है कि भाई मोदी ने तो सारा धंधा ही चौपट कर दिया, तो आप बोलिए हाँ भैया सही कह रहे हैं, मार्केट में कोई काम ही नहीं है, सारे बिजनेस जो है डाउन चल रहे हैं, 2 रुपए की कमाई नहीं है। जब आप उसकी बात को रिपीट करेंगे, उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, तो उसको ऐसा महसूस होगा कि भाई आप भी वही सोचते हो जैसा वो सोच रहा है, आप उसकी प्रॉब्लम को समझ पा रहे हो, उसकी बातों को समझ पा रहे हो। जब उसको ऐसा महसूस होगा तभी आपके और उसके बीच में एक कनेक्शन बिल्ड होगा, तभी एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। वरना अगर आप उसकी किसी भी बात को अगर अपोज करोगे, उसकी किसी भी बात को काटोगे, तब कनेक्शन बिल्ड नहीं होगा, बल्कि अगर थोड़ा बहुत कनेक्शन बिल्ड हुआ भी है तो वो टूट जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हमें अपने हिसाब से नहीं बल्कि कस्टमर के हिसाब से चलना पड़ता है। अगर हमें किसी को कस्टमर बनाना है तो हमें सामने वाले के हिसाब से चलना पड़ता है, उसकी नीड क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो हमसे चाहता क्या है, उन चीज़ों को समझकर उसके साथ एक कनेक्शन बिल्ड करना होगा, ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, तभी सामने वाला हमारी बात मानेगा। जैसे मान लो आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं और आपके पास कोई कस्टमर आया है, अब वो आपसे क्या कहता है कि भैया मैंने पहले भी 2-3 बार कहीं से डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस लिया, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला, ना तो मेरी वेबसाइट रैंक हो पाई, ना कोई लीड्स आ पाई, कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो अब आपको क्या करना है, आपको देखो पॉइंट मिल गया उसके साथ कनेक्ट करने का, आपको उसकी बात को दोहराना है कि हाँ भैया आप सही कह रहे हैं, मार्केट में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो पैसे तो ले लेते हैं लेकिन वो काम नहीं करते जिस काम के लिए कस्टमर उन्हें पैसे दे रहा है। जैसे ही आप ये बोलोगे तो उस कस्टमर का आपके ऊपर जो है ट्रस्ट आ जाएगा, उसे ऐसा लगेगा कि हाँ आप उसकी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, वो क्या चाहता है, क्या उम्मीद के साथ आपके पास आया है, आप उसे समझ पा रहे हैं, इसलिए कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा, उसका आपके ऊपर ट्रस्ट आ जाएगा और 90% चांस होंगे कि वो आपसे सर्विस लेगा। तो आप ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि चाहे कस्टमर हो या कोई भी इंसान हो, अगर किसी को भी आप कन्विंस करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है पहले एक कनेक्शन बिल्ड होना, उसके और आपके बीच में ट्रस्ट बिल्ड होना, उसको ऐसा लगना चाहिए कि सामने वाला मुझे समझता है, तभी वो आपकी बात मानेगा। और ये कनेक्शन तभी बिल्ड होगा जब आप ध्यान से सामने वाले को सुनोगे, उसकी नीड को समझोगे, उसकी प्रॉब्लम को समझोगे, उसके इंटरेस्ट को समझोगे, या वो आपसे क्या उम्मीद कर रहा है उसे समझोगे, और उस पॉइंट को पकड़ना है जिसके जरिए आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही वो पॉइंट पकड़ में आए उसे दोहराइए, उस बात को रिपीट करिए, उसकी हाँ में हाँ मिलाइए, तभी आपके और उसके बीच में कनेक्शन बिल्ड होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये जानकारी पसंद आई हो, तो इसे लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे, और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करिए ताकि क्या पता आपके ज़रिए किसी और की भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।